जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई करेगी पूछताछ। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना लिखा। सत्यपाल मलिक ने खोली बीजेपी की कलाई, इसीलिए सीबीआई पूछताछ। पूर्व राज्यपाल के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, बोले गवर्नर रहते क्यों चुप थे मलिक, सत्ता में रहते नहीं सुनाई देती अंतर्मन की आवाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छोड़ेंगे अपना सरकारी बंगला, लोकसभा सचिवालय को सौंपेंगे चाबी, सारा सामान मां सोनिया गांधी के घर हुआ शिफ्ट। फिर पाला बदल सकते हैं अजीत पवार, एनसीपी नेता अजीत पवार ने जताई सीएम बनने की ख्वाहिश, कहा 2024 तक क्यों इंतजार, अभी से सीएम बनने की है तैयारी। मिशन दक्षिण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन, डैमेज कंट्रोल की होगी कोशिश, बागी नेताओं से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और डीजीपी को लगाई कड़ी फटकार, कोर्ट के आदेश न मानने का लगाया आरोप, कहा अगली बार डीजीपी को समन करेगा जारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईद की बधाई देते हुए बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बांटने नहीं दूंगी, बीजेपी को नहीं करने दूंगी धार्मिक राजनीति। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बड़ा दावा, बोले कांग्रेस उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रद्द करने की कोशिश में बीजेपी, अधिकारियों को फोन कर रहे सीएम बॉम्बई। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई विधायकों का टिकट काटेगी कांग्रेस, विधायकों से फीडबैक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कई विधायकों की स्थिति अच्छी नहीं, रिपोर्ट के हिसाब से होगा फैसला। कलकत्ता एचसी ने सीबीआई को सौंपी पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच, 28 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट। अमेरिका में उपलब्ध रहेगी अबॉर्शन पिल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैन लगाने की मांग। ऑस्ट्रेलिया में फिर उठी लिटिल इंडिया की मांग, सिडनी कर रहा पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार। भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है चीन, अमेरिका ने ड्रैगन की नीयत पर जताया शक। यूरोप में लू ने मचाई तबाही, कम से कम 15,700 मौतें, तपती गर्मी से लोग हुए बेदम। ऋषि सुनक को एक और बड़ा झटका, डिप्टी पीएम डोमिनिक रॉब ने दिया इस्तीफा। सुंदर पिचाई के वेतन में आई बड़ी बढ़ोतरी, सुंदर पिचाई का वेतन साल 2022 के दौरान बढ़कर 22 करोड़ डॉलर यानी 1,854 करोड़ हुआ। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले दिल्ली में सस्ता हुआ सोना चांदी, 75,000 पर कायम। लखनऊ और गुजरात के बीच आज जोरदार टक्कर, दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के इकाना में खेला जाएगा। प्रभु श्री राम की जयकारे के साथ आया आदि पुरुष का नया पोस्टर, सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड। सतीश कौशिक की बेटी का अनुपम खेर के साथ क्यूट वीडियो आया सामने, बोली पापा आपसे बेहतर डांस करते थे।